हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है फ्रेंड्स, तो इसलिए बाहर बहुत कम निकलना हो पा रहा है। दोस्तों, काफ़ी सारे काम होते हैं जो कि भागम भाग लाइफ रहती है, जैसा कि आप सभी को पता है। दोस्तों, हमारी लाइन ही ऐसी है तो जिसमें हम लोग काफ़ी भागम भाग करते हैं, भाग दौड़ भरी लाइफ रहती है फ्रेंड्स। तो अभी सर्दी की वजह से शायद आज मुझे मौका नहीं मिल पाया बाहर जाने का। एक्चुअली मैं गया था मीटिंग में आज, तो मीटिंग की वजह से हम लोगों के साथ समय ज़्यादा चला गया दोस्तों। तो मैं हम लोग अभी जस्ट पहुंच पाए हैं मीटिंग से, तो उस वजह से फ्रेंड्स नहीं हम लोग कहीं बाहर निकल पाए हैं दोस्तों। और दोस्तों, जाना आना लगा भी रहता तो सर्दी की वजह से अभी कम ही भाग दौड़ करना पड़ रहा है फ्रेंड्स। सर्दी ज़्यादा पड़ रही है दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जो कि अगर बंदा कोई भी जाता है बाहर और अगर अपनी सेफ्टी से वो नहीं जाएगा तो फिर वो अक्सर बीमार पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग आज नहीं निकल पाए बाहर। गए भी थे बाहर तो जैसा कि मैंने बताया मीटिंग्स वगैरह में भी थी, तो उस वजह से हम लोग नहीं आज काम कर पाए। तो फ्रेंड्स, इसीलिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑफिस से बैठ के ही इन्फॉर्मेशन दे सकूं फ्रेंड्स को अपने, ताकि हम लोग आगे भी काम तो कंटिन्यू करना ही होता है दोस्तों, लेकिन काम कई सारे फ्रेंड्स रहते हैं और काफ़ी जिम्मेदारियां रहती हैं कई सारी चीज़ों की, तो वो भी सारा चीज़ देखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना ज़रूरी मैंने समझा, तो इसलिए मैं आज आया हुआ हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ दोस्तों। तो मिलते हैं आगे, आपको कुछ और बातें करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और आपको काफ़ी सारी जानकारियां जो कि आपको मिलने वाली हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो जैसा कि मंगलवार है आज, और मंगलवार को आपको पता है कि अभी हमारा मंगलवार के दिन हम लोग ज़्यादा विशेष मानते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मंगलवार को मेरा जन्म भी मंगलवार के ही दिन है, तो फ्रेंड्स विशेष है मेरे लिए। तो देखिए, विशेष है मंगलवार, किसी के लिए भी हो या ना हो मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, पर हमारे लिए रियल में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है मंगलवार, क्योंकि हम लोग हनुमान जी की वंदना और आराधना करते हैं हनुमान जी का, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और हमारे तो अभी दोस्तों जैसे कि 11 पाठ का हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ था, जैसे कि हर मंगलवार को 11 पाठ करने हैं। हर मंगलवार क्या मतलब, मिनिमम अभी हमारी स्टार्टिंग हुई थी 11 मंगलवार से फ्रेंड्स, तो 11 मंगलवार में हमारे अभी 8 मंगलवार कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं दोस्तों, यानी कि 2 मंथ से हम लोग कंटिन्यू इस चीज़ को कर रहे हैं। और हर मंगलवार को 11 पाठ होते हैं हमारे, और आज भी जैसा कि मैंने किया हुआ था हनुमान चालीसा का पाठ, तो 11-11 पाठ हर मंगलवार को अभी हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं, और अभी हमें 3 मंगलवार और रहना है दोस्तों, क्योंकि 8 तो हो चुके हैं कंप्लीट, अब 9, 10 और 11, तो अभी 3 वीक अगर समथिंग है हमारे पास 3 वीक के समथिंग, तो 3 वीक पे भी हमें मंगलवार को रहना होता है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग संकल्प को लेके पूरा लगे पड़े रहते हैं फ्रेंड्स अपना भक्ति भाव में, और करनी भी चाहिए भक्ति भाव दोस्तों। देखिए, दुनिया में हर कोई आता जाता है, अपनी लाइफ में हर कोई अच्छा भी है, कुछ परेशान भी हैं लोग, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट भी करना चाहिए। सपोर्ट के साथ साथ दोस्तों सपोर्ट भी करते हैं, उसके साथ साथ भगवान का सुमिरन भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान का सुमिरन अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं प्रभु की चरणों की तरफ, प्रभु की तरफ, तो आपकी तरफ भी भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है फ्रेंड्स। तो मेरा कहना है ये, मैं मानता हूँ, बाकी तो सबकी अपनी अपनी सोच है फ्रेंड्स, तो जो जैसा सोचता है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ लाइफ में बदलाव आते हैं। तो जाके मन ही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, फ्रेंड्स वही वाली बात है। तो जिनके मन में जैसी भावना हो तो वो उसी के अकॉर्डिंग सोच सकता है, पर हमारी भावना बिल्कुल, हम लोग एकदम सच्चे भक्त हैं हनुमान जी के, जो कि राम भगवान, प्रभु श्री राम भगवान जी और हनुमान जी को बहुत ही दिल से, तहे दिल से, जो कि सभी के हृदय में वास करते हैं, हर मनुष्य जाति के अंदर भगवान का वास होता है,
पर जगाना हमें पड़ता है अपने आप को कि हमें किस प्रकार से अपने मुख को, अपनी वाणी को नियंत्रण करके लोगों से बिहेवियर वो करना चाहिए ताकि अगले बंदे को, सामने वाले बंदे को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अच्छा बोलें, अच्छे से रहें, लोगों की अच्छे से हेल्प कर पाएं दोस्तों। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से सभी के साथ ऐसा होना चाहिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो कमेंट करके ज़रूर आप बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिल सके फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हमारी जो वीडियोज़ होती हैं वो हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे ही सेंड करते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे पोस्ट करते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे ही हमारी सुबह 8 बजे की अभी टाइमिंग हम लोगों ने जैसे सेटिंग कर रखी, तो सुबह 8 बजे ही हमारी वीडियो पोस्ट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में सबके साथ, तो प्रभु से विनती करना चाहूँगा मैं कि हे प्रभु सभी का भला करना, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, सभी पे अपनी कृपा बरसाए रखना और सभी को धन धान से पूर्ति डाल के रखना प्रभु। और हम सब बच्चे हैं प्रभु आपके, हम सब से कभी भी कोई भूल चूक अगर होती है प्रभु तो हमें क्षमा का पात्र बनाएं और अपने शरण में स्वीकार करें प्रभु। तो फ्रेंड्स, आप सभी भाइयों को मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए सभी माताओं बहनों को और भाइयों को तहे दिल से जय सियाराम, जय माता दी दोस्तों।